खुशाक होंगे बाद होंगे खुशहाल होंगे खुशा खुर्रम रखे। सो दिस इज योर होस्ट फरियाल एंड आई फ्रॉम अहमदाबाद पाकिस्तान। अभी जो है बिल्कुल रात का टाइम हो रहा है, रात हो रही है, रात को आज हम लोग निकले हैं बाहर। पर ये कहाँ आए हम लोग? नर्सरी पार्क। मेरे साथ साथ जो है मेरे चारों बहन भाई आए हैं और हम अपने खाला के साथ आए हैं। अंधेरा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये जो पीछे झूले लगे हुए होते हैं ना, ये वाले झूले जिनमें अच्छा जी तो हाँ ये वाले मैं झूले दिखा रही थी। ये वाले जो झूले हैं मेरे खाला के बच्चे झूल रहे हैं, पॉइंट्स वाले ये झूले हैं, बाकी हम लोग जो हैं बस बांधों की तरह घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। आयजा बोले आयजा डर लग रहा है क्या? ये बहुत तेज चल रहा है वैसे, उड़ जाओगी। बहुत तेज चल रहा है ऐसा का झूला, ऐसा का झूला तो देखो कितने तेज चल रहा है। और मरियम भी है, मरियम को अभी दिखाती हूँ। मरियम का झूला मरियम के चेहरे पे डर है, मरियम को डर लग रहा है। मरियम मरियम डर क्यों रही हो? पकड़ के बैठ जाओ। इतनी ब्रेव है, डर क्यों रही है? मरियम का सही है, आयजा का तो पता नहीं क्या था, लाइट गई थी आयजा के झूले। मजा आ रहा है आयजा? मजा आ रहा है? अरे वहाँ ये जो मैंने अभी झूला दिखाया आयजा और मरियम जो है उस पर झूल रही हैं, बस यही है। यहाँ पे अजान स्टार्ट हो गई है, अजान के बाद बोलती हूँ। हाँ जी तो अजान हो गई है और अभी जो है बिल्कुल अंधेरा है। मैं एक दफ़ा पार्क का रेडियो दिखाती हूँ, देखो सारे अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अभी बस जो है एक ही यहाँ पर रोज है, बाकी शायद लाइट गई है या पता नहीं क्या मसला है। गवर्नमेंट पार्क है तो ये सब मसले तो होंगे, प्राइवेट नहीं है। बाकी ये है कि दिन में मैंने ये पार्क पूरा दिखाया हुआ है, दिन का व्लॉग भी है। जब मैं मम्मी के साथ वॉक करने आई थी यहाँ पर, मम्मी को छाला हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं गया वॉक करने। मरियम ने अभी गाड़ी स्टार्ट की है। मरियम हंसी आ रही है अंजुलू को देख के, मतलब मकसद क्या है अंजुलू का? हल्का हल्का सा हिल रहे हैं बिल्कुल। अरे भाई ये मेरे पास, अरे भाई पहले भी थी मेरे साथ, पता नहीं इसको बहुत ज़्यादा शौक है मेरे साथ व्लॉग्स में आने का। और वरना बैक कैमरा इतना इतराती है, ये इतना कोई इतराती है ये बैक कैमरा कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। और ये लड़की कौन है? ये फायजा है, जो ये फायजा है। फायजा नीचे देख के चलना है, अंधेरा हो रहा है भाई। फायजा कहीं खड्डे में गिर गई ना तो कैसे उठाऊँगी मैं? अभी इन सबका खाने पीने का डिसाइड हो रहा है कि कौन क्या खाएगा। बस मेरा टॉर्च जो है वो खाला तक ही गया है और ये साइड में मेरे बैठ जाती है, हर बार आके बैठ जाती है मेरे साथ ये। मैंने तो कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी मैं और कुछ नहीं। बोल तो देती हूँ उसको, यहाँ मिलती है ना यहाँ से ले लो। मुझे ओगे की टेंशन हो रही है कि ओगे घर पे है और हम पांचों यहाँ पे, हम में से पांचों में से कोई एक ना एक रुकता है, इसलिए वो अब अम्मी के लिए, अम्मी की हिफाजत में है, अम्मी की अदालत में बैठा हुआ होगा। मैंने कोल्ड ड्रिंक तो ले ली है लेकिन जब मैं ये ना एक सिप लिया है ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने छालों के ऊपर एसिड रख रही हूँ, उसके अंदर जलन हो रही है। लेकिन जहर को जहर का आता है, ये मेरा रूल है। ऐसे कॉल आई है अम्मी की कैसे जब आज का मुन्ना बहुत रो रहा है और हम जो है मुन्ने को घर पे ही छोड़ कर आए हैं, तो इसलिए अब हम लोग भाग रहे हैं घर। मुस्तफ़ा बहुत रो रहा है, यहाँ पे वेट हो रहा है। अरीबा का 44 चले जी। अब यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं वापस। हसन चुप हो जाओ, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इनको पता चल गया, फजूल में बैकग्राउंड में चियाओ में आवाजें आएंगी। रात का टाइम था इसलिए ज़्यादा कुछ हमें कुछ भी नज़र ही नहीं आया पार्क में। मुस्तफ़ा रोने लगा था तो इसलिए हम लोग फ़ौरन से, बस हाफ आ रही हुआ था कि वापस जा रहे हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पार्क है तो मैंने पहले भी बताया हुआ। और मुस्तफ़ा ऐसा ही है, उसकी अम्मी घर से बस निकलती हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है।
मरियम, मरियम क्या खा रही हो? पॉपकॉर्न। और आयजा खान वहाँ आ गया कुछ। मेरी खाला हैं, फ्राइडे के दिन आई थी, फिर सैटरडे संडे और फिर मंडे को जो है ये गई थी, और फाइनली मैं भी इनके साथ टंडोलियार जाऊंगी, डिसाइड हो गया। अम्मी अब्बू दोनों से पूछ लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वो दिन आ ही गया कि मैं अब टंडोलियार जा रही हूँ। जी हाँ, और मैं बस एक हफ्ते के लिए जाऊँगी, बस व्लॉग्स बनाने के लिए मैं जा रही हूँ, और मैं नाना नानी से मिलने जा रही हूँ। और मेरी खाला जो है ना, उनकी शादी है इन करीब नवंबर में, तो फिर मैं उनके साथ भी रहने जा रही हूँ। बस मेरी ये आखिरी खाला है, और ये बस मुझसे 2 साल बड़ी हैं, मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह है मेरी खाला। वो जो है ये भी चली जाएंगी, तो बस अब कौन रहेगा फिर हमारे ननिहाल में? नाना नानी होंगे। मैं तो अम्मी से कह रही थी, अम्मी कायनल बाजी की शादी के बाद नाना नानी को अपने पास ही बुला लें, हमारे साथ ही रखें। मतलब घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बात बात पे जो है ना, हर कुछ नया नया सीखने को मिल रहा होता है बुज़ुर्गों से, क्योंकि उनका एक पूरा लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है। इसलिए मैं मम्मी से कह रही थी कि कायनम बाजी की भी जब शादी हो जाएगी ना, तो नाना नानी को ही हमारे पास ही बुला लिएगा। और जी बस अब मैं ये घर पर पहुँच गई हूँ, मेरे ज़ुबान पर छाले हो रहे हैं, इस वजह से मेरा लहजा जो है ना थोड़ा चेंज है। आगे वीडियो देखें आप। अब यहाँ पे कितना रोशन रोशन अच्छा लग रहा है, मैं पिक्चर भी जो है ना यहीं पे निकाल लेती हूँ थंबनेल की। तो फाइनली बैक एट होम, और मुस्तफ़ा मुन्ना जो है वो रो गया था ना, जिसकी वजह से हमें हाफ आर भी नहीं लगा होगा। हमें पार्क में गए थे, इन्होंने टोकन वाले झूले झूले, अपनी अपनी चार्ज इन्होंने ऑर्डर ही की थी कि इतने में कॉल आ गई थी अम्मी की। इनकी चार्ज भी जो है हसन फिर पीछे लेके आया, सांस इसलिए इतना फूल रहा है, भाग भाग के आए क्योंकि मुन्ने की बहुत टेंशन हो रही थी। बेचारा 1 महीने का है माशाल्लाह से, तो वो रो रहा था, और वो ऐसे ही करता है सिद्धराजी। हालांकि उसको बिल्कुल पेट भर के जाती हैं कि 1 घंटे तक अभी सोता रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, वो उनके घर से निकलते ही रोना शुरू हो जाता है। बहुत ज़िद्दी बच्चा है माशाल्लाह से। खैर माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए ज़िद्दी पर। खैर हो गया ये पार्क का व्लॉग, अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सफाई सुथरा ही हो रही है भाई, सफाई सुथरा ही हो रही है, सफाई का काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है भाई। वाह वाह, ऐसे सब अपने आप को साफ किया करो भाई। सारे बिल्लों ये देख लो वीडियो के, अपने आप को कैसे साफ करते हैं।